ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये राम की वजह से हुआ है। इसका जिम्मेदार सिद्ध नहीं, राम है, राम। इंस्पेक्टर साहब, जो सिद्धांत कपूर है ना, वो राम का सौतेला भाई है। इंस्पेक्टर साहब, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक राम कपूर, तो कानून के हिसाब से आपको राम कपूर को ही अरेस्ट करना चाहिए, am I right? देखिए, राम कपूर ज्यादा पैसे कमाना चाहता, इसलिए उसने घटिया दवाइयां बनाई और मेरे बेटे सिद्ध को फंसाया। उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और एक्चुअली राम, अब मेरी समझ में आया कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी सिद्ध को ही संभालने को क्यों दे, ताकि सिद्ध पकड़ा जाए, राइट? और अब तुम उसके पीछे छुप रहे। कितना गिर सकते हो तुम राम? बस करिए निहारिका जी, आप भी जानती है राम का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब फालतू में राम के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही है? शट अप विक्रम, तुम जानते ही कितना हो हमारे घर के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में। वो बेचारा तो बिजनेस हैंडल करना भी नहीं जानता। जो लड़का ऑफिस ही नहीं जाता, वो इतना बड़ा फ्रॉड भला कैसे करेगा और क्यों करेगा? मॉम, ये तुम क्या कह रही हो? ऋषभ पुत्र, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। तू अपने भाई का ये रंग देख रहा है, वो भाई वो जिसको तू देवता समझता, पर सच्चाई ने तो एक ना एक दिन सामने आना ही था। वो ये राम जो है अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध को फंसा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, वो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बोलू, तुम्हें टेंशन नहीं लो, मेरा राम सब जानता है। तू बेकसूर है, मैं तेनू कुछ नहीं होने देंगे, तू चिंता नहीं कर। एक मिनट इंस्पेक्टर, सीधे साधे मामले को इतने गलत ढंग से आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब स्टॉर्ट करके आपके सामने फैक्ट्स रखने हैं। प्लीज, बात सीधी सीधी है, ये नहीं हो सकता, राम कैसे कर सकता है? बस विक्रम, अब आगे और कोई नहीं बोलेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। मैं ही आपका दोषी हूं। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। इन्हें अरेस्ट करो। एक मिनट, इस हादसे का जिम्मेदार वो शख्स है जो इस कंपनी का मालिक है, और इस कंपनी के मालिक मिस्टर राम कपूर नहीं, मैं। एक मिनट, लेकिन ये सब मिसेस प्रिया राम कपूर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर कपूर, आपने ये कंपनी मेरे नाम कर दी है। मेरा सब कुछ शेयर करने का हक है तुम्हें। अब मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मेरा बिजनेस है, मेरा काम, तो मैं चाहता था कि वो भी तुम शेयर करो, उसमें भी तुम मेरी पार्टनर बनो। व्हाट्स द बिग डील? इन खराब दवाइयों की वजह से जो भी हादसा हुआ, उसकी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी कंपनी की ओनर होने के नाते मेरी है। मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं। चलिए। व्हाई आर यू डूइंग दिस? चलिए।
प्रिया, कैसी औरत है ये प्रिया? Wait, how unpredictable. एक ओर से इसे संभालने जाओ तो दूसरी ओर से पिछले 20 सालों से मैंने राम को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा हुआ था, लेकिन आज जो मैंने राम के साथ किया, I don't know वो कैसे रिएक्ट करेगा. मैं समझ ही नहीं पाई कि प्रिया इतना बड़ा खेल खेल रही है मेरे साथ. इतने सालों का बना बनाया एम्पायर, ऐसे लग रहा है जैसे एक ही रात में बिखर जाएगा. प्रिया, हाउ कैन यू डू दिस? ये तुमने क्या कर दिया प्रिया? मुझे बचाने के लिए तुमने अपने सर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया. मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है. जो कुछ किया है अपने लिए किया है. आप नहीं जानते मैं बहुत स्वार्थी हूं. आप जेल की सलाखों के पीछे होते ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती. इससे तो अच्छा है कि मैं खुद जेल की सलाखों के पीछे रह जाऊं. अरे लेकिन प्रिया, आपको याद है वो 6 दिन जब आपने मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था? उन 6 दिनों में आपने मुझे जिंदगी दी थी मिस्टर कपूर, जिंदगी जीने की वजह दी थी. तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आपने आज तक अपनी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है, अपने घर वालों के लिए, अपनी माँ, अपने भाई बहन. मैंने सोचा किसी को आपके लिए भी तो कुछ करना चाहिए. बस इसीलिए ये छोटा सा. अरे लेकिन प्रिया, पता है मिस्टर कपूर, अगर जिंदगी में फिर कभी एक मौका ऐसा मिला ना कि मुझे आपके लिए ये दोबारा करना पड़े, तो मैं खुशी खुशी करूंगी. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा प्रिया. किसी न किसी तरह बहुत जल्द तुम्हें यहां से निकलवाऊंगा मैं. तुम बिल्कुल चिंता मत करो. ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर क्योंकि आई लव यू. आई लव यू. क्या सोच रही आप? सोच के भी क्या फायदा? वो यहाँ तो पूरे हालात ही उल्ट पुलट हो गए हैं. सही कह रहे हैं आप भैया, पर प्रिया ने ये सब कुछ किया कैसे और क्यों? आखिरी पल तक वो सोच कुछ और रही थी
और जता कुछ और रही थी। कितना बड़ा खेल खेल गई, पर उसका गेम प्लान मैं आज तक नहीं समझ पाई। पूरी जीती हुई बाजी हमारी उसने छीन ली। हम चाहते कुछ और थे, वो कुछ और गया और जेल किसी और को जाना था, जा कोई और रहा है। पर पूरी जिंदगी हम राम को घुमाते फिराते रहे, हमारी गोटी जब फिट होने वाली थी तो पूरी बाजी पलट गई। उस बेटी, उस प्रिया में कोई बात तो है भाई, वो राम के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। वो तो हम सब लोग देख ही चुके हैं, पर भैया इस वक्त मुझे किसी और बात की टेंशन। वो क्या भैया, इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग राम को फेस कैसे करेंगे? मिस्टर राम, आज आपकी वजह से मेरी बेटी यहाँ जेल में है। आपकी गलतफहमी, आपके परिवार वाले आपके लापरवाही ने उसे यहाँ खड़ा किया है। कितने इम्तिहान लेंगे आप मेरी बेटी के प्यार के? कितना दर्द वो सहती रहेगी? मैंने कितने यकीन से आपके हाथ में उसका हाथ दिया था, कितने सपने सजाए थे मैंने, और आपने उसे क्या दिया? उसकी झोली में कांटे भर दिए। आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है मेरी बेटी के साथ, बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्यों उसे अरेस्ट होने दिया ये जानते हुए भी कि असली मुस्लिम आपका भाई है? बस करो कपूर मेरी जिंदगी है माँ, उनके बिना भी तो मेरी जिंदगी की कोई मायने नहीं होते। वो यहाँ जेल की सलाखों के पीछे रहते तो मैं कहाँ जी पाती। कम से कम मैं यहाँ रह के उन्हें देखूंगी तो ये तसल्ली तो रहेगी कि उनके लिए कुछ कर पाए। ना बेटा ना, दूसरों की जिंदगी स्वर्ग बनाते बनाते तुमने अपनी जिंदगी नरक बना ली है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो है ना, वो सब संभाल लेंगे। प्रिया, अपना ध्यान रखना बेटा। तुसी सब जानते हो, दुनिया की सब अच्छाई और बुराई आपको दिखती है, फिर मेरी प्रिया पुत्र की अच्छाई आपको क्यों नहीं दिखती है? सब दुनिया को न्याय देने वाले मेरी प्रिया पुत्र के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ मांगने की जरूरत पड़ी, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ। मेरी प्रिया पुत्र की वजह से मेरे गोलू पुत्र की जिंदगी में खुशियाँ आई, वैसे ही खुशियाँ
मेरी प्रिया पुत्र की जिंदगी में भर दो। प्रिया पुत्र फिर से इस घर में वापिस आ जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, जब तक आप प्रिया को नहीं छोड़ेंगे मैं यहाँ से नहीं जाना। अरे फिर वही बात, मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप बाहर जाइए, लॉयर से मिलिए, सबूत ढूंढिए, डिफेंस लॉयर ढूंढिए, तभी कानून आपकी कोई मदद कर सकता है। आई एम सॉरी लेकिन मुझे आपसे एडवाइस नहीं चाहिए। एक मिनट, देख रहा मैं, आप इंस्पेक्टर साहब से बहस करने का क्या फायदा, वो तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे ही ना। सोल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा ना, यहाँ बैठ कर बहस करने से चलाने से क्या हो जाएगा। चलते हैं अपने लॉयर्स को फोन करते हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं यार प्रिया को बाहर निकालने का। यहाँ तो हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अरे लेकिन विक्रम, तो चल प्रिया। माँ, माँ आप यहाँ क्यों आई हैं? बेटे मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, जो कुछ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ करते बेटे। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये जो कुछ भी हो रहा है शायद ऐसे ही होना लिखा था। आप ये क्यों नहीं सोचते कि शायद वो भी हो सकता था जो हम चाहते थे? एटलीस्ट हमने कोशिश तो की, और मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारी कोशिश नाकामयाब नहीं हुई है। आई एम श्योर मिस्टर कपूर ने कहीं ना कहीं सच्चाई को एक्सेप्ट किया, भले ही हमारे सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन आप देखना वो फिर से आपको जरूर अपना ले। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। परेशान कैसे ना हो प्रिया, मेरे पास ना तुम्हारे जैसी हिम्मत है ना ताकत है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? मेरे बेटे को मेरे पास लाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, और आज वही तुमसे दूर जा चुका है। अरे ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? बस कुछ दिनों की दूरी जरूर, शायद कुछ महीनों की या शायद कुछ सालों की भी हो सकती है, लेकिन ये दूरी मन की दूरी थोड़ी है। माँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए मुझे यकीन है ये दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। माँ आपके बेटे ने हमेशा सबके लिए बहुत किया है, मेरे लिए बहुत खुशी दी है, मुझे बहुत प्यार। उस प्यार के बदले में मैं जो कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है माँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो हम चाहते थे बस वो हो जाए। आपके बेटे आपको हमेशा के लिए अपना लें, और जो भी उनका बुरा चाहते हैं वो उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाए। राम बहुत लकी है प्रिया, जिसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। नहीं लकी तो मैं हूँ, जो मुझे आपके बेटे जैसा जीवन साथी मिला। ये जो कुछ भी हुआ है ना ये राम की वजह से हुआ है। इन खराब दवाइयों की वजह से जो भी हादसा हुआ उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की ओनर होने के नाते मेरी है। मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.